रस्ती है निगाह है मेरी तकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp फुल स्क्रीन स्टेटस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है अलाइट मोशन। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया है, तो मैं इसे अब ओपन कर लेता हूँ। ओके, देखिए मैंने अब अलाइट मोशन को ओपन किया है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपल प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके 9:16 का रेशो लेना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो इस पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए प्लस वाला आइकॉन है, उस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। और देखिए सेकंड नंबर पे इमेज एंड वीडियो है, उस पर जाके आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने ऊपर 3 डॉट का आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके फिल स्क्रीन करना होगा ताकि आपकी इमेज पूरे स्क्रीन पे आ जाएगी। और ऐसा करने के बाद देखिए नीचे मूव एंड ट्रांसफर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। ओके, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो के स्टार्ट में एक प्लस वाली की लगानी होगी और वीडियो के बीच में एक लगानी होगी और लास्ट में एक प्लस वाली की आपको लगानी होगी। और इसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है और जहाँ पे आपने की दी है उस पर क्लिक करके देखिए नीचे स्वाइप हेयर टू मूव लेयर का ऑप्शन है, उस पर आपको साइड स्क्रॉल कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको आना है मिडल वाले प्लस वाले की पे और उसे उसके अपोजिट साइड वाला आपको इफेक्ट दे देना है। तो साइड स्क्रॉल अपोजिट साइड को कर लेना है। ओके, तो ऐसा करने से आपका इफेक्ट सेट हो जाएगा। तो प्लस वाले आइकॉन पे जाके इमेज एंड वीडियोज करके आपको सेकंड वाली इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, तो सेलेक्ट करने तो आपको पहले इमेज में जो इफेक्ट दिया है वही इफेक्ट सभी इमेज में देना है और एक के बाद एक इमेज हमें यहाँ पे सेट कर लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे सभी इमेजेस को सेलेक्ट करके सेट कर लिया है और इफेक्ट दिया है। तो इसके बाद बारी आती है म्यूज़िक लगाने की। तो म्यूज़िक लगाने के लिए आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर लेना होगा, एडवे में जाके आपको अपना म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे मेरा म्यूज़िक डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है मेरा म्यूज़िक, मैं इसे ओके करके प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसे सेट कर लेता हूँ। और वीडियो के आखिर में जाके आपको जितना आपका वीडियो है उतना ही आपको म्यूज़िक को कट कर लेना है और वीडियो को सेट कर लेना है। ओके, तो इसके बाद हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए सेटिंग के साइड में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके प्रिपेयर टू एक्सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए। ओके, तो हमारा वीडियो अब एक्सपोर्ट हो रहा है। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।